Please subscribe to my channel Kitchen with Faria Baloch and press the bell icon button to get notified. Assalamualaikum, Kitchen with Faria Baloch के साथ मैं हूँ YouTube पर Faria Baloch. अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को जो कि YouTube पर Kitchen with Faria Baloch के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके. वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए. अब आ रहा है बड़े जबरदस्त सा वीकेंड और वीकेंड पर होनी चाहिए कोई जबरदस्त जबरदस्त सी रेसिपीज जो कि हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत मजे करें, उसे शेयर करें, बनाए और एंजॉय करें. तो एक और एक ऐसी रेसिपी आज हम बना रहे हैं जो आप अपने वीकेंड्स पर बना सकते हैं और बहुत इजीली. आज हम बना रहे हैं चिकन की सुलेमानी कढ़ाई थोड़े डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के साथ. जरूर देखें, जरूर फॉलो करें, देर नहीं करते, बिस्मिल्लाह के साथ किचन में चलते हैं. सुलेमानी कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ चुके हैं. मैंने यहाँ लिए हाफ के जी विद बोन्स चिकन. ठीक है, आप इसके अलावा इसे बोनलेस से भी बना सकते हैं मगर कढ़ाई का मजा तो बोन्स के साथ है ना. अब क्या करते हैं, हम इसके मसाले बताते हैं आपको. यहाँ मैंने ली है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ लाल कुटी हुई मिर्चें. ठीक है, और यहाँ पर जाएगा नमक जो कि हम हसबे जायका डालेंगे, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून जाएगा. यहाँ मैंने लिया है सफ़ेद तिल. ठीक है, मैंने इन्हें भून लिया है और मैंने इन्हें बहुत बारीक सा जो है क्रश कर लिया है. ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून. यहाँ पर मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये भी 2 टेबल स्पून जाएगा. यहाँ मैंने अदरक को कुचल लिया है, कुचली हुई अदरक का मज़ा बहुत आता है कढ़ाई में, वो भी मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब मौजूद है. यहाँ पर मैंने लिया हुआ है भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, ये जाएगा 1.5 टेबल स्पून के करीब. यहाँ जूलियन कट अदरक है जो कि कढ़ाई की जान होती है. यहाँ लेनी है हमने हरी मिर्चें जिन्हें हमने बीच से कट कर लिया है, 10 से 12 अदद हैं. थोड़ा लेमन जूस जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं थोड़े से टमाटर भी. तकरीबन मैंने 3 टोमेटोज लिए जो मीडियम साइज के थे. थोड़ा हरा धनिया काटा हुआ है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब. दही पूरा 1 पाव है मेरे पास यहाँ मौजूद, बहुत अच्छी तरह से बीट किया हुआ. अब देर नहीं करेंगे और उसको जाकर पकाएंगे. चले, एक सॉस पैन लिया हमने, इसमें ले लिया मैंने 1.5 कप के करीब तेल. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसमें जो हमारे ग्रीन चिलीज हैं बीच में से 2 हमने कट किए हुए हैं, इनको करेंगे हम हल्का सा गोल्डन. यहाँ पे देखें प्याज ग्रीन चिलीज को जरा अच्छा सा कलर आ चुका है हमारी, देखें खूबसूरत सी हो गई है. अब इन्हें हम थोड़ी सी को निकाल लेंगे और 4-6 जो है हम इसी में रहने देंगे. ये देखें इस तरीके से निकाल ली हैं और 4-6 मैंने इसमें रहने दी हैं. अब क्या करूँगी मैं, जो भी मैंने अपना लहसुन लिया हुआ है 2 टेबल स्पून के करीब, ये हम इसमें डाल देंगे. ठीक है, और जो अदरक ली हुई है कुछ ली हुई ये इसमें डाल देंगे और 2 से 3 सेकेंड इसे भूनेंगे ताकि ज़रा इनका कच्चापन खत्म हो. चलें, 2 से 3 सेकेंड हो गए. अब जो अपनी चिकन है ये सारी हम इसमें ऐड कर देते हैं. डाल दिए, अब क्या करेंगे, ये लहसुन और जो हरी मिर्ची है हमारी इसके साथ हम इसका थोड़ा कलर चिकन का गोल्डन होने तक इसको इसके साथ हम भूनेंगे. चिकन में आ गया है जरा अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर. अब क्या करेंगे, हम डाल देंगे पहले इसमें नमक ताकि चिकन में जरा अच्छा सा नमक आ जाए. यहाँ मैंने डाल दिया 2 टीस्पून सॉल्ट. अब क्या करूँगी, मैंने जो यहाँ पे लिए हैं 2 टेबल स्पून भुने हुए तिल अपने पिसे हुए बारीक, ये इसमें डाल दूंगी और नमक और तिल को इसके साथ पहले अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं. चलिए, अब इसमें डाल देंगे हम लेमन जूस अपना, तकरीबन मैंने लिया 1 टेबल स्पून के करीब, समझे आधा बड़ा नींबू. अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पर डाल दूंगी ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा. ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जो यहाँ टमाटर लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, ये हम इसके साथ डाल देंगे चिकन के साथ. और क्या करेंगे, डाल देंगे यहाँ काली मिर्चें, डाल देंगे यहाँ पर अपनी रेड चिली भी जो हमने कुटी हुई ली है. सब मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है, हल्दी भी 1 टीस्पून गई है इसमें. अब ज़रा सा जब तक ये टमाटरों के साथ ये अच्छे से भून जाए तो 2 से 3 सेकेंड हम इसे भून लेते हैं. देखें क्या खूबसूरत सा माशाल्लाह से चिकन का कलर आया है और क्या माशाल्लाह मसालों की मज़ेदार खुशबू उठ रही है. अब इस स्टेज पर हमने जो यहाँ 1 पाव दही लिया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से फिटा हुआ होना चाहिए, गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें, ये सारा का सारा हम इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से
और इसके बाद इसको इसमें मिक्सअप करके इस तरीके से सारी चिकन के साथ इसे मिक्सअप कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छी तरीके से हाथ से चला लेंगे ताकि सब एक जैसा हो जाए चिकन और दही। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर इस स्टेज पर, मैं यहाँ लगा दूंगी इसको लेट अपने इसकी, और मैं इसको इसके साथ छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से दही के पानी में और तमाम मसालों में चिकन अच्छी तरीके से हमारी खूब रच बस जाए और कुक हो जाए। आपसे 10 मिनट बाद मिलते हैं। अब ये देखें हमारा 15 मिनट के बाद कितना अच्छा सा सारा पानी सूख गया और हमने इसकी भुनाई भी शुरू कर दी है और तकरीबन हम इसे 2 से 3 सेकेंड और भून लेंगे। और अब मैं क्या करूँगी, जो हमने मिर्चें बचा ली थी ठीक है, अब वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और ऐड कर देंगे ठीक है, और 2 से 3 मिनट हम इसे मज़ीद और कुक करेंगे। अगर आप इसमें थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे इसको फ्लेम ऑफ कर दें, और अगर थोड़ा सा और मसाला भून के इसको चिपकाना चाहते हैं तो 3 से 4 मिनट और पका लें। अब ये हो गया है मेरे हिसाब से जो हमें चाहिए हमारी ग्रेवी, और इस हिसाब से रेडी हम कर देते हैं इसका फ्लेम ऑफ और आपको इसको दिखाते हैं हम डिश आउट करके। तो व्यूअर्स यहाँ पर बड़े मजे की थोड़े से डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ सुलेमानी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसे अपने वीकेंड्स पर जरूर बनाएं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स गेस्ट के लिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मैं आऊंगी, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को जो कि किचन विद फरिया फलोच के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।